हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं न्यू लेसन फॉर बिगिनर्स पियानो। तो उस दिन लास्ट वीडियो में हमने सारे गम पग की प्रैक्टिस की थी पूरा सप्तक, आरोह अवरोह। अभी हम लेसन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें सॉन्ग बजाते टाइम या कोई भी सॉन्ग बजाते टाइम अपना हाथ उंगलियां आगे पीछे होती है प्रॉपर नोट्स पे मूव करने के लिए। हमें अभी लेसन करने हैं, तो लेसन नंबर 1 अभी इस वीडियो में बताता हूँ। तो शुरू करते हैं उसका कुछ फिंगरिंग। ये तीनों उंगली का है, ये तीन उंगली अपने को पूरा फ्री करना है ऐसे। ये अपना फ्री होएगा तो फिर आगे की उंगली का भी अलग एक्सरसाइज है। तो सारे गम पद निशा करने के बाद हमें डिवाइड करके ये तीन उंगली और ये उंगली का धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो हमारा हाथ कैसे भी घूमेगा जैसा चाहिए वैसा। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। आप जितना धीरे करोगे उतना आपके हाथ की स्पीड बढ़ेगी। अगर आप फास्ट करने जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको एकदम धीरे धीरे करना है, जितना धीरे हो सके उतना धीरे करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो उसको जितना धीरे करोगे उतना उसमें आप मास्टर बनोगे। ये तीन उंगली का ही पहले प्रैक्टिस करना है। ये तीन उंगली का प्रैक्टिस पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये अगर फ्री हो गया तो फिर आगे का भी फ्री हो जाएगा। एकदम धीरे करना है। सा रे ग म प ध नी धनी सा नी सा रे ग ऐसे, और ऐसा जाके रिटर्न ऐसे आना है। तो आरोह अवरोह है, आगे जाने को आरोह कहते हैं और फिर से रिटर्न पीछे आने को अवरोह। सारे गमों में भी सेम वैसा ही है। आरोह अवरोह। तो गाइस, ये लेसन नंबर 1 है। इसके आगे भी लेसन्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका प्रैक्टिस करो प्रॉपर तरीके से। अगर कुछ क्वेरीज हो तो मैसेज में या कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।